माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एवं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं अपना एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं किसी बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा बीमारी की जड़ के बारे में। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं कि बीमारी से ज्यादा जरूरी होती है बीमारी की जड़, तो शायद हो सकता है जो बीमारी आप में चल रही हो वो बीमारी आपसे दूर हट जाए और नई किसी तरह की बीमारी आपको ना हो। इतनी इंपॉर्टेंट होती है जड़। मेरे पास कई सारे फोन आते हैं लोगों के पास कि हम 10 साल से 15 साल से किसी चीज से परेशान है, किसी बीमारी से परेशान है। जैसे कभी कोई कहता है कब्ज से परेशान है, कभी कोई कहता है एब्सेस से परेशान है, कभी कोई कहता है इरिटेबल बबल सिंड्रोम से परेशान है, और कई इस तरह की डिजीज है जो कि सालों साल चलती है। इसके अलावा डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की बीमारी है। ये सब बीमारियां ऐसी हैं जो कि मरीज को ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार शरीर को लग जाती है तो ये दवा आजीवन खानी पड़ती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा आखिर ऐसा आपके साथ हुआ क्यों और आप ही के साथ ऐसा हुआ क्यों, कौन जिम्मेदार है इस बीमारी के लिए, और हम जो इलाज कर रहे हैं वो वास्तव में किस तरह का इलाज कर रहे हैं और हमें वास्तव में किस तरह का इलाज करना चाहिए। अगर आप ये सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी जो आपको आपकी हो सकता है आपकी बीमारी से निजात मिल जाए आपको। इसको समझने के लिए आप समझिए, एक पेड़, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, मैं इस पेड़ का एक डायग्राम बनाता हूं। पेड़ को हम जब देखते हैं बेसिकली हम तीन हिस्सों में देखते हैं पेड़ को। एक ये वाला हिस्सा जो है जिसको हम रूट कहते हैं, ये वाला हिस्सा है इसको हम ट्रंक कहते हैं, और ये वाला हिस्सा है यहाँ पे लीव्स होती हैं या ब्रांचेस होती हैं। जब भी हम किसी पेड़ को देखते हैं हम इन तीन चीजों में हम इस पेड़ को देखते हैं। इसी तरह से बीमारी भी हमारी डिवाइडेड है, आइसोलेटेड है। बीमारी का मूल कारण किसी में क्या होता है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। किसी भी बीमारी का मूल कारण होता है, कुछ तो बीमारियां होती हैं जो कि कंजेनाइटल होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। अब कुछ बीमारियां जो ज्यादातर बीमारियां होती है वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। उसके बाद आपके न्यूट्रिशन आ गया, न्यूट्रिशन हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीजें हैं जो कि रूट कॉज होती हैं किसी भी बीमारी का। ये बीमारी जो होती है रूट कॉज होती है, ये रूट कॉज की वजह से इफेक्ट होता है ट्रंक। ट्रंक में मान लीजिए आपका हार्ट है, आपका लीवर है, आपका स्प्लीन है, आपका पैनक्रिया है, इसी तरह जो ऑर्गन है आपके हड्डियां हैं, आपकी स्किन है, ये जब चीजें ये सब हमारी ट्रंक में आ जाती है। ऊपर जो है लीव्स हैं वो है हमारी बीमारी के सिम्टम, ये सर्दी है, बुखार है और कमजोरी है, ये सब हमारे सिम्टम में आती है कि इन बीमारी की वजह से हमारा सिम्टम क्या हो रहा है, क्या चीज, वो सब केवल लीव में काउंट होती है। अब जब हमें किसी बीमारी से लड़ना है तो हमें कहां पे वार करना है, क्या हमें यहां पे वार करना है या हमको फिर यहां पे वार करना है। ज्यादातर आप लोग सहमत होंगे कि हमको वार यहां पे करना है, पर हम ये नहीं करते हैं। हम कहां पे वार करते हैं, हम वार यहां पे करते हैं, हम वार केवल सिम्टम पे करते हैं। बुखार हुआ तो लो जी बुखार की दवा खा ली, जुकाम हुआ तो जी जुकाम की दवा खा ली, शरीर में कमजोरी आई तो उसी दवा खा ली, और भी जो भी सिम्टम आपको आ रहे हैं, पेशाब में जलन हुई तो जलन दूर करने की कोई चीज कर ली, और बहुत सारे दावे जो हैं वीडियोस में देखता हूं यूट्यूब में रहते हैं कि एक खुराक खा ले जड़ से खत्म, एक खुराक खा ले जड़ से खत्म, दो खुराक खा ले जड़ से खत्म। ऐसा मेरा मानना है अगर ऐसा होता भी है तो बहुत ही बहुत बहुत रेयर होता है। ज्यादातर चीजों में आपको अपने शरीर के साथ मेहनत करनी है, और यहीं पे हम चुप कर जाते हैं, हम अपने शरीर के साथ मेहनत नहीं करना चाहते हैं और हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि ये बीमारी का रूट कॉज क्या है, जो कंजेनाइटल है उस पर हमारा बस नहीं है। कुछ चीजें हैं जो कि माँ को केयर करना चाहिए कि वो चीज उनके बच्चे में ना जाए, कुछ दवाएं हैं वो चीज है
वो कंजेनेटर हम इस तरह कुछ चीज जेनेटिक होती है। अब हमारी जीन्स में कोई चीज है तो हम कितना भी परहेज कर लें, कुछ भी कर लें, तो वो चीज होगी। पर वो चीज हो जाने के बावजूद भी हम ये जरूर कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट आपके शरीर में कम से कम हो। अब जो बाकी मेन चीज है वो हमारी बीमारी का जड़ है, वो है हमारी लाइफ स्टाइल। हम कैसा जी रहे हैं, हम कितने बजे सोते हैं, हम कितने बजे उठते हैं, हम कितना दिन में वॉक करते हैं, हम कितना योगा करते हैं, हम कितना मेडिटेशन हम करते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब कब खाते हैं, शराब पीते हैं कि नहीं, तंबाकू खाते हैं कि नहीं, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हमारी लाइफ स्टाइल में आती है। न्यूट्रिशन, हम अपने शरीर के अंदर क्या दे रहे हैं, क्या खाना खिला रहे हैं अपने शरीर को, किस तरह का पानी दे रहे हैं हम अपने शरीर को, सफिशेंट पानी दे रहे हैं कि नहीं, क्या हम अपने शरीर में जंक फूड उड़ेले दे रहे हैं, क्या हम शरीर में ऑयली स्पाइसी फूड उड़ेले दे रहे हैं, क्या हम अपने शरीर में फैटी फूड उड़ेले दे रहे हैं, तो वो आपका न्यूट्रिशन है, आपकी लाइफ स्टाइल है। हमें अगर किसी बीमारी को ठीक करना है तो पहले ये समझना होगा कि हमने रूट पर कहां गड़बड़ कर दी है। एक बार हमें ये समझ में आ गया कि हमने रूट पर क्या गड़बड़ कर दी है और हम इसको सुधार लेते हैं तो ये सुधरेगा, तो ये सुधरेगा, और ये सुधरेगा तो ये अपने आप ही सुधर जाएगा। अब होता क्या है, हम सिम्टम पे लगे रहते हैं, सिम्टम की वजह से जो ऑर्गन इन्वॉल्व है हम उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। ब्लड प्रेशर है तो हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करके रखो, लीवर में कोई दिक्कत है तो लीवर का मेटाबॉलिज्म चेंज कर दो, शुगर की बीमारी है हम अपना ये चेंज नहीं करेंगे हम शुगर की दवा बढ़ाते चले जाएंगे, पर हम अपने खाने पर परहेज नहीं करेंगे, हम वॉक नहीं करेंगे, हम योगा नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये शुगर बढ़ रही है दवा दो घटाओ, और बड़ी दवा दो घटाओ, और बड़ी इंसुलिन दो घटाओ, और बड़ी, हम यही प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि तेरा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। अब जो ज्यादातर मैं एग्जांपल, तो बहुत लोग परेशान है कब्ज की वजह से। कब्ज आखिर क्या है, कब्ज एक आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है। पैदाइशी किसी को कब्ज नहीं होता है, बचपन में आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है, आप दो दो तीन तीन दिन लैट्रिन करने नहीं जाते थे, आपके माँ बाप ने आपको बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं फिर कर लेगा। कभी आपको प्रॉपर टॉयलेट में कितना देर बैठना है, कितना प्रेशर लगाना है, किसी ने नहीं समझाया आपको। आप बड़े हुए, आप उल्टा सीधा खाने लगे, जब मन हुआ खाया, जब मन हुआ नहीं खाया। मैं कहता हूं मरीज को आप वो चेंज करें, बोले डॉक्टर साहब ये तो नहीं हो सकता हमसे, हमारी तो नौकरी ऐसी है, हमें तो जाना ही होता है, हमें तो खाना ही होता है, हमें तो पार्टी में ना जाए अगर हम तो हमारी तो भैया नौकरी चली जाएगी, हमारी बड़े बड़े लोगों से मीटिंग होती है, हमारे तो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, हमें तो रोज पार्टी करना जरूरी है, हमें तो रोज शराब पीना जरूरी है, हमें तो रोज स्मोक करना जरूरी है, तो आपको रोज बीमारी होना भी जरूरी है। आप खुद अपने दुश्मन बन के खड़े हो जा रहे हैं, उस चीज को आप ठीक नहीं करेंगे। आप ठीक कीजिए इसको, बार बार मैं कह रहा हूं, आप अपने न्यूट्रिशन को, लाइफस्टाइल को, ये दो चीज आप हटा दीजिए, ये आपके हाथ में नहीं है। बाकी जो चीजें हैं जो मैंने बताई वो पेला हाथ में, आपके हाथ में है। अब उदाहरण देता हूं मैं आपको, आपने बहुत बढ़िया सी मोटरसाइकिल एक खरीदी, खूब रोज सुबह उठते हैं, उसमें पोछा मारते हैं, उस पर खूब चमकाते हैं, उसमें खूब बढ़िया चमकाते हैं, पर हम उस बाइक से चाहते क्या है, क्या वो केवल चमक चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि वो जब चले तो स्मूथली चले, जो स्पीड पे हम ले जाना चाहें वो स्पीड पर लेकर के जाएं। पर हमारा ख्याल, अब वो बाइक आपकी ठीक से चल रही है, चले, उस वो किस पे मुख्यतः डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपने उसमें पेट्रोल कैसा डाला है, आपने उसकी सर्विसिंग कैसी कराई है। आपने अच्छा पेट्रोल नहीं डाला है मतलब आपने रूट में गड़बड़ की है, आपने उसकी सर्विसिंग अच्छे से नहीं कराई है, आपने रूट में गड़बड़ की है, केवल आपने उसको चमकाया है। चमकाने से गाड़ी नहीं चलती है, चमकाने से बाहरी दिखावा तो अच्छा लग सकता है, पर जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो फिर वो फेल कर जाएगी। हम क्यों कहते हैं नहीं, पेट्रोल वाली गाड़ी आप उसमें डीजल डाल दीजिए, डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दीजिए, क्या होगा, खत्म, खेल खत्म। चाहे आपकी करोड़ों की गाड़ी हो, लाखों की, लाखों करोड़ की गाड़ी हो, खत्म, सारा सिस्टम फेल। कहां गड़बड़ हुई? इसलिए ज्यादा मेंटेनेंस में मत जाइए, ज्यादा आप अपने रूट कॉज पे जाइए। इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपने रूट को ठीक कर लिया, हमने ये नहीं किया लीवर हेड पैनक्रिया इस पे हो गया। ज्यादातर हम देखते हैं, हम भाई मेडिकल स्टोर के काउंटर पे चले गए, भैया उल्टी हो रही है, भैया ने लो उल्टी की दवा पड़ा दी, भैया बुखार हो रहा है, लो जी बुखार की खा लो, भैया दस्त हो गए, ये खा लो।
कभी नहीं वो मेडिकल स्टोर वाला आपसे पूछे जानना चाहेगा हुआ क्यों, बट डॉक्टर साहब जानना चाहे आपने भैया क्या खाया था, किस तरह की चीज खाई थी, क्या आप खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, वो आपसे डॉक्टर पूछेगा जो। और अगर आप साफ पानी नहीं पीते हैं, उबला पानी नहीं पीते हैं, फिर आपका पेट खराब रहता है, बार बार पेट खराब रहता है, तो दोष किसका है? आपके शरीर का दोष नहीं है, आपने उस शरीर में जो पानी गंदा डाला है उस पानी का दोष है। उसी तरह से मैंने शुगर की बीमारी के बारे में बताया, ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, हमारी लाइफस्टाइल, शरीर में कोलेस्ट्रॉल हम बढ़ा कर रखते हैं, हम नमक ज्यादा खाते हैं, हम रात के दो दो तीन तीन बजे तक जागते हैं, हम ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, अपने शरीर को हमने बाहरी प्रेशर इतना दे दिया है तो अंदर का प्रेशर तो बढ़ेगा बना भाई। बाहर इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो उसको आप? बाहर का प्रेशर जितना अंदर आएगा उसका इफेक्ट आपकी धमनियों पे पड़ेगा, आपके दिमाग पे पड़ेगा, तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। आप कुछ मत कीजिए, आप रिलैक्स रहिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। देखिए बीपी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी आपको, पर हम वो चीज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, हजारों रुपए डॉक्टर को दे देंगे, हजारों रुपए जांच के लिए दे देंगे, और फिर हजारों गालियां उस डॉक्टर को हम दे देंगे। यही हम करते हैं, यही हम आगे करते रहेंगे, यही हमने किया है, यही हमारे बाप दादा ने किया है, यही हमारे बच्चे करेंगे, आगे जनरेशन भी यही करेगी। पर जो इस चीज को समझ गया है कि हमारा रूट क्या है और हमने उस पर कैसा कब्जा कर लिया है, तो फिर वो समझ लीजिए 80% बीमारियां उसको नहीं आ सकती है। हम बड़े बड़े योगी सन्यासी महात्माओं को देखते हैं, वो खूब जो योगा करते हैं उनमें विरले ही कोई बीमारी आती, क्यों? उनका शरीर हमारा शरीर तो एक था, भगवान ने पैदा तो भैया सबको एक ही तरह का किया, फिर हमने अपने साथ ऐसा क्या कर दिया कि हम बीमारी के हमने आमंत्रण दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो अगर हम सब आज ये प्रण ले कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, हम अपने खान पीन को चेंज कर लेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% बीमारियों से आप निजात पा जाएंगे। आपको, मैं डॉक्टर हूं, मेरा पेशा इसी से चलता है, फिर भी मैं कहता हूं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जैसे टीबी के ले लीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूं, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, आप ही को टीबी क्यों हुई आपने सोचा? ऐसा तो नहीं कि जो जिनको टीबी नहीं होती है वो टीबी के पेशेंट एक्सपोज नहीं होते, वो भी होते हैं एक्सपोज, वो भी है तो एक्सपोज। टीबी हॉस्पिटल में डॉक्टर हिसाब तो सबको टीबी हो जानी चाहिए थी, नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी इम्यूनिटी पे ख्याल रखा। एक यही एक जड़ में एक चीज इम्यूनिटी है। हम अपनी इम्यूनिटी पे कितना वर्क कर रहे हैं, क्या किया हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको रोग आएंगे नहीं। आजकल जो बीमारी फैली हुई है, पेंडेमिक फैला हुआ है, उसमें भी क्या कहते हैं लोग, क्या आखिरी में कुछ नहीं कर पा रहा है कोई? सब ये कह रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ भाई, काढ़ा पियो, ये पियो, वो पियो, यही इसका मूल मंत्र है। आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, वो मरीज आपके बगल से होकर चला जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, मरीज 4 फीट पे भी खड़ा है तो भी आपको वो बीमारी पकड़ लेगी। तो प्लीज वर्क ऑन योर रूट कॉज ऑफ द डिजीज। If you are able to modify yourself, modify your lifestyle, modify your nutrition, modify your intake, build up your immunity, I assure you, you will get rid of 80% of your disease. तो उम्मीद करता हूं मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बार आपको बताने में सफल रहा हूं कि बीमारी को जड़ से आप कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मेरा ऐसा मानना है इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब की चीजें मैंने इसमें आपको बता दी हैं, और आप इस मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ बार बार आता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।